नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर में कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और उन्हें सुख समृद्धि की समस्या लगातार बनी रहती है। वास्तु शास्त्र की माने तो अपने घर के वास्तु दोष को ठीक करके आपकी ये परेशानियां ठीक हो सकती हैं। अगर घर का वास्तु ठीक रहता है तो इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस दोष से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो आपको बता दे कि वास्तु कहता है कि कई बार घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जिसकी वजह से घर में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इन चीजों की वजह से घर में अशांति भी बनी रहती है, इसलिए ऐसी चीजों को घर से तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं ये चीजें जिसे घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। एक, खंडित मूर्तियां न रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी घर में खंडित यानी टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक आती है, साथ ही घर में दुर्भाग्य और परेशानी भी आती है। दो, जूते चप्पल। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी टूटे हुए चप्पल या जूते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके घर में टूटे हुए चप्पल या जूते न हो, क्योंकि टूटी हुई चप्पलों का इस्तेमाल करने से घर में दरिद्रता आती है, साथ ही परिवार के बीच मनमुटाव भी होता रहता है। दो, टूटी हुई कुर्सी। कभी भी अपने घर के प्रवेश द्वार पर टूटी हुई कुर्सी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता आती है। वहीं जिस घर के दरवाजे पर चौखट का टूटा हुआ खंभा होता है, उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। तीन, साबुन। कई बार जब साबुन के छोटे छोटे टुकड़े साबुन के डिब्बे में रह जाते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में साबुन के छोटे छोटे टुकड़े रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। चार, पुराने फटे कपड़े। वास्तु के अनुसार घर में फटे पुराने कपड़े रखने से इंसान के करियर में बाधा आती है, इसलिए अगर कोई कपड़ा बहुत पुराना हो गया हो या फट जाए तो उसे बाहर कर देना चाहिए। पांच, पुराने अखबार। आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि वह अपने घर में अखबार और पुरानी मैगजीन को रखते हैं, लेकिन वास्तु की माने तो इसे घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि अखबार पर जमी धूल मिट्टी आर्थिक संकट के साथ पारिवारिक कलह लेकर आती है, इसलिए इनके इकट्ठा होने से पहले ही इन्हें बाहर कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।